الله الرحمن الرحيم. कोई लो एलिवेशन होने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता जहाँ से हम पास कर सकें, तो ऐसी जगहों पर
सूटेबल जगह पे ऐसी रॉक जो कि सूटेबल होती है टनल के लिए, वहाँ पर हम लोग टनल प्रोवाइड कर देते हैं। द नेक्स्ट लेवल मस्ट बी अबव द रोड, सॉरी वेर एनी बैकवर्ड इज नॉट पॉसिबल, ट्रैक इज सपोर्टेड ऑन ब्रिजेस। तो ये जो हमारे पास नेचुरल स्ट्रीम्स होती हैं, रिवर्स या कैनाल्स होती हैं, या बहुत ज़्यादा डीप हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ब्रिजेस जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी इंक्लूड द फॉलोइंग: परमानेंट लैंड, परमानेंट लैंड जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेरी लैंड जो है वो हमें कहाँ पे परचेज करनी है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसी सॉइल है, क्योंकि वहाँ से हमें हो सकता है टेम्परेरी लैंड से हमें बॉरो मटीरियल जो है वो लेना हो या काम करना हो, फार्मेशन जो है वो हमें कैसी बनानी पड़ेगी, कहाँ से मटीरियल मिलेगा हमें उसका, स्लोप्स आप कटिंग आप कितने, अगर स्लोप्स हमें प्रोवाइड करनी है तो वो कितनी प्रोवाइड करनी है, और साइड रेंज कहाँ कहाँ की प्रोवाइड करनी है, और साइड रेंज की कैपेसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए। व्हेन अ न्यू रेलवे लाइन इज प्लान्ड, अ टेंटेटिव डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन इज मेड बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी स्टडी। A certain strip of land on either side of the central line of the proposed site acquired by the railway department. This strip or land was transferred to railway by the other department or acquired by the personal possession is termed as the permanent land. So, ये land की वो strip होती है जो permanently हम लोग या agency जो है वो railway agency जो है वो acquire कर लेती है। लिमिट ऑफ परमानेंट लैंड डिपेंड्स अपॉन इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, परमानेंट लैंड की विड्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, गेज ऑफ द ट्रैक वाइडर गेज के लिए ज़्यादा स्पेस में रिक्वायर होगी, सिंगल लाइन ट्रैक और डबल लाइन जितने नंबर ऑफ ट्रैक्स इंक्रीज होगी उतनी हमें ज़्यादा विड्थ प्रोवाइड रिक्वायर करनी पड़ेगी परमानेंट लैंड के लिए, फॉर्मेशन विड्थ जो है अगर वो ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा विद्युत हमें इंक्वायर करनी पड़ेगी, साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन अगर साइड स्लोप फ्लैटर है तो उसके लिए एडिशन जो है वो भी हमें इंक्वायर करनी पड़ेगी, साइड रेंज अगर है तो उसके लिए हमें वो एक्स्ट्रा एडमिट जो है वो इंक्वायर करनी पड़ेगी, साइड स्लोप ऑफ कटिंग और इम्बैकमेंट्स। तो जो कटिंग है इम्बैकमेंट जो साइड स्लोप है उन पर भी डिपेंड करेगी हमारी टेम्परेरी सॉरी परमानेंट लैंड की विद पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ट्रैक, अगर इस ट्रैक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो हो सकता है हम ये प्रिडिक्ट करें कि फ्यूचर में हमें इसकी एक्सटेंशन करनी पड़ सकती है, ट्रैक डबल या ट्रिपल करना पड़ सकता है, तो उसके लिए फिर हम पहले से ही परचेज कर लेंगे एक्स्ट्रा मैप। इन एवरी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेशन इज दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जीक्यूशन वर्क, एंड आइडियल कंडीशन इज दैट द अमाउंट ऑफ मटीरियल एक्सकेवेटर फॉर कटिंग इज सफिशिएंट फॉर पेंटिंग, यानी कि हमें कटिंग और पेंटिंग को बैलेंस करना होता है। हाउएवर व्हेन एक्सकेवेशन एंड इम्बैकमेंट डू नॉट बैलेंस इट इज बेटर टू टेंपरेरीली एक्वायर अ स्ट्रिप ऑफ लैंड एडजॉइनिंग टू द परमानेंट लैंड फ्रॉम वेयर अर्थ मे बी बॉरोड। तो बेसिकली हमें फिर एक्स्ट्रा लैंड जो है वो प्लेस पर लेनी पड़ेगी जहाँ से हम लोग बॉरो मटीरियल लेंगे, इट मे बी यूटिलाइज एज ए स्पॉयल बैंक फॉर द एक्सकेवेटर अर्थ। तो ये स्पॉयल बैंक के लिए भी हो सकती है यूटिलाइज, और बॉरो मटीरियल के लिए हो